यूक्रेन में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है। इसके तहत भारतीय छात्रों को जो यूक्रेन में फंसे हुए युद्ध क्षेत्र में, उन्हें पहले सुरक्षित बॉर्डर तक आने के लिए कहा गया है और फिर वहां से उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, अब वो बारी बारी अपने घर पहुंच रहे हैं। भोपाल की ही रहने वाली दो सगी बहनें मिली और मुस्कान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनके परिवार में खुशी की लहर है क्योंकि दोनों बेटियां अपने घर में सुरक्षित आ गई हैं। युद्ध क्षेत्र से लेकर इन्होंने अपने घर तक पहुंचने का जो लंबा सफर तय किया है, क्या इनका अनुभव रहा, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मिली से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो युद्ध क्षेत्र था वहां पे हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छात्र हैं, कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी आप लोगों ने, फिल्मों में तो देखा होगा लेकिन अब सामने आंखों के सामने आप लोगों को सब कुछ हुआ। तो मिली ये बताएं कि कब आप लोगों को लगा कि अब जितने जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ देना है। 24 तारीख को 24 को जब इन्वेजन चालू हुआ तब हमें लगा कि अब हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे टिकट्स ऑलरेडी बुक थे जो कि कैंसिल हो गए थे, एयर स्ट्राइक की वजह से सारे टिकट्स कैंसिल हो गए थे। तो हम जितना जल्दी कोशिश कर रहे थे उतना जल्दी निकलने के लिए हमें रिसोर्सेज थोड़ा चाहिए, हमें अपने हाथ में कैश चाहिए एंड डिजिटल ज़माना है, सब कार्ड यूज़ करते हैं, कोई बहुत बड़े अमाउंट में कैश अपने पास नहीं रखता है और हम स्टूडेंट्स हैं, हम भी नहीं रखते। तो वॉर सिचुएशन थी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था, ग्रॉसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ATM, इतनी भीड़ थी, इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी हर एक जगह पर। और जो रेट्स थे, जो लोग थे जो वो अपने घरों में फूड जमा कर रहे थे, हमने भी किया, हमने पानी छोटे से बड़े बर्तनों में पानी स्टोर करा, हमने बहुत सारा फूड स्टोर करा कि हम यहाँ फंस गए तो हम एटलीस्ट भूख से ना मरे। इस दौरान क्या वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि जो कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई आप लोग को महंगे? बिल्कुल, एग्जाम्पल देती हूँ मैं वहाँ मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो हम दाल और चावल लेके रखते हैं, हम बॉइल करके तो खा सकते हैं। जो 26 ग्रेविन, वहाँ ग्रेविन चलता है, ग्रेविन पर केजी का जो राइस था वो 60 ग्रेविन पर केजी था, तीन गुना ज्यादा जी वहाँ पर। और सिचुएशन ऐसी थी कि आप उस समय जान देखोगे या पैसा देखोगे, सब ने लिया, उसने एक्सपेंस में भी लिया। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि स्टोर्स में जो है सब कुछ अनअवेलेबल है, ग्रॉसरीज खत्म हो चुकी हैं, फूड आइटम्स खत्म हो चुके हैं, अब जो सिचुएशन आ गई है वहाँ पर। और उस वक्त ये था कि हम जल्दी से जल्द यूक्रेन छोड़ने की प्रयास कर रहे थे तो हमारे पास कैश नहीं था, मैं ATM लाइन में लगी थी, लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा उस लाइन में हो गया था। उसी दौरान एक स्ट्राइक हुई जो मेरे ही पीछे एक बम जो है बाय एयर आया और ब्लास्ट हुआ, काफ़ी लाउड आवाज़ थी, पीछे मुझे आसमान में धुआं साफ देखने को मिल रहा था, पर मैं भाग नहीं सकती थी वहाँ से क्योंकि मैं भाग जाती तो मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं यूक्रेन नहीं छोड़ पाती क्योंकि मुझे बॉर्डर तक पहुँचने के लिए अपना एक्सपेंस लगाना था। उस सिचुएशन में मैं वहाँ खड़ी हुई थी और मैंने लगभग आधा घंटा और वेट करा क्योंकि पैनिक सिचुएशन हो गई थी, क्या पता एक अभी दूर आया है दूसरा पास में भी आ सकता है। फिर मैंने लिमिट वहाँ लगा दी गई थी ATMs में क्योंकि बहुत भीड़ की वजह से, तो एक बार में 24 आवर्स में सिर्फ 3000 ग्रेविन्स विड्रॉल हो रहे थे। तो मैंने, मेरी सिस्टर के भी मुझे विड्रॉ करने थे, मेरे भी, हम दो हैं, तो मैंने 3000 विड्रॉ करे और तुरंत कोशिश शुरू कर दी यूक्रेन छोड़ने की। तो हम वहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं, हमने अपना सामान बांधना शुरू करा, सारा सामान, हमें नहीं पता था हमें पैदल चलना है, हमें कैसे जाना है बॉर्डर तक, कोई सिचुएशन का पक्का नहीं था। तो हम अपने साथ सामान लेके बहुत ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर सकते थे, तो हमने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और कुछ ज़रूरी सामान जो हमें लगता है और पैसे, वो लेकर हम अपने घर से निकल गए थे। आप कौन सी तारीख को निकले थे? जी हम 26 को निकले थे वहाँ। 26 को आप लोग निकले, तो मैं बहुत शॉर्ट में आप बताएं कि जब 26 को आप लोग निकले हैं तो उस वक्त आप लोगों के मन में क्या था, मतलब वहां पे कोई सुविधा आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से थी या फिर आप लोगों ने अपने खर्चे पे वहां से बॉर्डर तक का सफर तय? एम्बेसी से ये एडवाइजरी थी कि आप बॉर्डर तक आ जाओ, वहां से हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ओडेसा जिस रीजन में मैं थी वहां से सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर जो है वो रोमानिया लगती है और वो वहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर थी। तो हमने 4 बॉर्डर क्रॉस की, हमने पहले यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके, हमें एक नोमेंस मालदोवा और यूक्रेन के बीच में एरिया आता है वहाँ एज ए रिफ्यूजी हम 2 दिन रहे, उन्होंने हमें रिफ्यूजी स्टैम्प दिया हमारे पासपोर्ट पे। उसके बाद हम मालदोवा बॉर्डर क्रॉस किया, फिर मालदोवा के बाद हम रोमानिया आए, रोमानिया एयरपोर्ट आने के बाद हमें एम्बेसी की मदद मिली। एयरपोर्ट से पहले किसी तरीके की कोई बातचीत एम्बेसी के किसी अधिकारी कर्मचारी से आप लोगों की हुई या फिर ऐसा कहीं लगा कि आप लोग अकेले नहीं हैं,
कोई देख रहा है। जी जी बिल्कुल, हम एम्बेसी के अलावा भी भारत सरकार के कई नेताओं से कांटेक्ट में थे जो कंटिन्यूसली हमारी सिचुएशन ट्रेस कर रहे थे, कंटिन्यूसली हमसे पूछ रहे थे कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं। पंडित गिरीश शर्मा जी हमारे कांटेक्ट में थे, आरिफ मसूद साहब थे और भी कई नेता जिन्होंने कंटिन्यूसली हमसे कॉन्टैक्ट रखा। और सिंधिया जी जो है वो गिरीश शर्मा जी से भी कंटिन्यूसली हमारे बारे में, वो एमपी से ही है। तो मतलब आप लोग जो अपने वहां से निकले जहां फंसे हुए थे वहां से लेके बॉर्डर तक पहुंचने में इस दौरान भी आप लोग अकेले नहीं थे, मतलब आप लोगों से बातचीत लगातार हो रही है। हम हाँ हम टच में थे बट वो बात ये थी कि वो बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकते थे वो तो। हाँ तो हम बस कोशिश सबको यही कोशिश थी कि सब बस बॉर्डर तक पहुंच जाएं, उसके बाद एयर इंडिया से उन्होंने हमारी फ्लाइट भोपाल तक कंफर्म की। अच्छा, इस दौरान कभी ऐसा कोई मौका आया जब आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया हो कि क्या पता हम यहाँ से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, या फिर आपने घर पे फोन किया हो बताया हो वहाँ पे क्या स्थितियां बन गई, क्योंकि घर वालों के तो लगातार फोन आ रहे होंगे आप लोगों के पास सब कुछ देखने के बाद। जब एक सायरन वहाँ बजा जो कि अलर्ट था जिसमें इमरजेंसी लग चुकी थी, फुल कर्फ्यू था, बाहर फायरिंग हो रही थी, तो हमें 20 मिनट्स का एक टाइम दिया गया कि आप 20 मिनट्स में बंकर्स में चले जाना। अब हमें नहीं पता था ना कि हम बंकर में कितने दिन तक रहेंगे, बाहर कब तक फायरिंग चलेगी, तो हमने फूड जल्दी जल्दी बना के खाना शुरू किया कि हम 20 मिनट्स में खा के और जाएं। उस दौरान बाहर अलर्ट हो गई, फायरिंग हो रही थी, तो हम बंकर्स में नहीं जा पाए, तो हमने अपने ही अपार्टमेंट में सारे गेट खिड़की सब बंद करके, हमें एक एडवाइजरी आई एम्बेसी से और गवर्नमेंट से भी वहाँ की लोकल से कि कोई आपके गेट नॉक करता है तो आपको नहीं खोलना है, क्योंकि रशियन एक्टिविस्ट अंदर आ चुके थे तो वो लोकल्स को मारते हैं ऐसा। तो हमने अंदर अपने ही घर में अंधेरा करके फ़ोन वोन ऑफ करके कि किसी को पता ना चले इस घर में कोई है, हम एक कोने में उस रात बैठे, उस रात को गुजारा। वो थी आपकी डरावनी रात। जी, और उस डरावनी रात में बाहर से कंटिन्यूसली आवाज़ें आ रही थी फायरिंग की, बॉम्ब की, तो उस वक्त हमें श्योरिटी नहीं आ रही थी कि हम कल की सुबह भी देखेंगे या नहीं, मतलब बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर था। तो उस वक्त बस एक कॉल, ये बहुत टाइम डिफरेंस 3.5 घंटे का है, यहाँ आधी रात हो चुकी थी, फिर भी हमने अपने घर पे फ़ोन करा ये सोचकर कि शायद हम एक बार बात कर लें, हमें नहीं पता हम सुबह कर पाएंगे या नहीं, तो वो बहुत बहुत डरावना था वो बहुत। घर पे आप लोगों ने बात की? हाँ जी। तो आप आ गए हैं, सुरक्षित आ गए हैं। मिली के बाद मुस्कान से भी जान लेते हैं, मुस्कान साथ में ही रही अपनी बहन के पूरे इस चैलेंजिंग समय में भी। मुस्कान, ये बताएं कि ये बंकर में जाने की जो बात है, इसे कोई आप लोगों को पहले कभी ड्रिल लिया ऐसा कुछ हुआ था कि बंकर में कितनी देर में पहुंचना है, या फिर बस अचानक से एक दिन बोला गया कि बंकर में? जी, हमें जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी उनका ग्रुप है और हमारे जो डीन यूनिवर्सिटी के थे ग्रुप, उस ग्रुप में हमें डिटेल्स डाल दी गई थी और ये बोला गया था कि जो भी मतलब बड़ी बिल्डिंग्स में है वो पार्किंग एरिया में आ जाए, और हमारा जो घर है अंडर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था। अच्छा, ये बताओ मुस्कान कि अभी और भी आपके जानने वाले कोई हैं जो भारत के रहने वाले हैं, आप लोग से वहाँ बातचीत होती रहती होगी, क्या अभी भी वो फंसे हैं या निकल गए सब? अभी स्थिति है क्या भारतीय छात्रों की वहाँ पे, स्थिति क्या है? अभी फिलहाल वहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार स्थिति हो गई है हमारे निकलने के बाद से। मेन सबसे ज्यादा खराब स्थिति कीव और खारकीव में है, क्योंकि वहाँ पे आधे से ज्यादा एरिया रशिया के अंडर में आ चुका है। आपको लगता है वहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट फंसे? जी, बहुत सारे बच्चे जो है खारकीव और कीव में, कल तक जो है काफी ज्यादा बच्चे फंसे थे, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने अब वहाँ से कल जो है वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके उनको ट्रेन अरेंज कर रही है बॉर्डर तक आने के लिए, और एडवाइस भी दी गई है कि आप पैदल भी बॉर्डर तक निकल जाओ, लेकिन आप कीव और खारकीव छोड़ो, कल इमरजेंसी एडवाइस भी आई। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जो इवैक्यूएट होकर के यहाँ तक आए, घर तक आए हैं, और भी देशों के छात्र वहाँ होंगे, आपको क्या लगता है कि जितनी तेजी से इवैक्यूएशन की पूरी प्रक्रिया चली निकालने की वहाँ से, आप लोग अपने खर्चे पे पहले बॉर्डर तक पहुँचे, फिर बॉर्डर से आप लोग घर तक भी आए हैं, क्या कोई और देश में भी ऐसी प्रक्रिया वहाँ चल रही है वहाँ के अपने देशों के छात्रों को निकालने की, या फिर सिर्फ भारत? जी, जितना फास्ट इवैक्यूएशन भारत की तरफ से हो रहा है उतना बाकी देशों से नहीं हो रहा है। जैसे मेरे साथ नाइजीरिया की एक थी छात्र, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वहाँ पे जो है रेसिज्म थोड़ा स्टार्ट कर दिया था यूक्रेनियंस ने, तो काफ़ी जो पाकिस्तान तुर्किश इधर के भी बंदे थे वो इंडियन फ्लैग अपने साथ लेके निकल रहे थे, क्योंकि इंडियंस को वहाँ प्रेफरेंस दी जा रही थी निकलने के लिए। हमारी बस में जो भी व्हीकल से हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उसके आगे इंडियन फ्लैग लगा के निकल रहे थे, ताकि कोई भी आर्मी का बंदा हो इंडियन फ्लैग देख के रशिया का हो चाहे यूक्रेन का आगे जाने देना था। अच्छा, तो निकलने दे रहे हैं भारतीय छात्र? जी, भारत का फ्लैग लेके काफ़ी
अलग देशों के बच्चों ने भी जो है वहाँ से इवैक्यूएशन कर लिया जी। मेरे साथ ही जो थे टर्किश बंदे थे, जो पाकिस्तान के भी कुछ बच्चे थे, उन्होंने भी इंडियन फ्लैग हाथ में लेके जो है बाहर निकले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट इवैक्यूएशन इंडिया की तरफ से हो रही थी और इंडियंस को सेफली आगे ले जाया जा रहा था।